जैसे कि आपने देखा आज यहाँ पे इनॉग्रेशन हुई है फीमेल टॉयलेट के। एक्चुअली हम काफ़ी टाइम से यहाँ पे एज अ कॉमन एक वॉशरूम यूज़ कर रही थी, तब जो फीमेल्स हैं वहाँ पहले थोड़ा कम थी नंबर्स में, अब यहाँ पे फीमेल्स का नंबर भी इंक्रीज हो गया, काफ़ी बढ़ गया है। उसकी वजह से ये नेसेसिटी एक्वायर हुई थी। काफ़ी सालों से हम इस चीज़ के लिए कर रहे थे कि एक फीमेल जो टॉयलेट है, जो कि ये प्री रिक्विजिट है किसी भी इंस्टीट्यूशन का या किसी भी जगह का, कि एक फीमेल टॉयलेट अलग से होना चाहिए। तो ये जो लॉन्ग पेंडिंग हमारी जो डिमांड थी आज ये पूरी हुई है, और सर की प्रेसिडेंटशिप में आज इसकी हमने यहाँ पे इनॉग्रेशन की है। ये मतलब अच्छा एक जेस्चर, और एक हम थैंकफुल हैं इस चीज़ के लिए कि फाइनली ये जो डिमांड थी हमारी पूरी हुई है। रियासी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स में आज से काफ़ी कोई 15-20 साल पहले से ये डिमांड चल रही थी कि यहाँ जो महिला अधिवक्ता हैं, जो लेडी एडवोकेट्स हैं, उनके लिए एक अलग से वाशरूम हो। तो आज बड़ी खुशी की बात है, सब हमारे लेडी एडवोकेट्स भी खुश हैं, इवन के जो कोर्ट का स्टाफ है उसमें भी कम से कम 15-20 लेडीज़ हैं, तो सारे खुश हैं कि ये बाथरूम जो है महिलाओं के लिए अलग से बन के तैयार हुआ है। और आज इसका जो हमने इनके हवाले इसकी चाबी की है, वो एक खुशी का दिन है, अच्छा लग रहा है। अभी भी कोर्ट्स की बहुत सारी समस्याएं हैं, मुझे भी अध्यक्ष बने हुए, बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बने हुए 1 महीना हुआ है, और ये पहला जो है ये बाथरूम जो है कम्प्लीट होके आज हमने जो महिला अधिवक्ताएं थी और सेशन जज हमारे CGM मैडम, मुंशी मैडम और मोबाइल मैडम सारे मौके पे थे, उनके सामने इसका इनॉग्रेशन करके उसकी जो कम्प्लेक्स की है वो इनके हवाले की है। तो अच्छा लग रहा है, जो आगे भी जो कोर्ट की समस्याएं हैं उसके ऊपर हम पुरजोर करके जो मेरा टेन्योर है मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मेन समस्याएं हैं मैं उनको पूरी करूँ। धन्यवाद।